नहीं तो फिर कैसे होगा? इसलिए देखो हमारे यहाँ पर प्रभु वहाँ जा, और एक एक्स्ट्रा माइक है बच्चा, एक्स्ट्रा कोई माइक दे सकते हो? है कहीं एक्स्ट्रा माइक? कहाँ है, कहाँ है एक्स्ट्रा माइक है कहीं? हाँ देखो सामने आओ, रुक कर हमारे बीच में एक प्रभु जी है। ये प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। हम घर में रहते हुए संसार छोड़ने का जरूरत नहीं, घर में रहो, अपना पत्नी बच्चे सबको लेकर रहो, लेकिन रहते हुए कैसे हम घर में भक्ति करें, भगवान की भजन कैसे करें, हैं? अभी प्रभु जी आपको इसी विषय पर थोड़ा समझाएंगे, कैसे हम अपना परिवार को कृष्ण भक्तिमय बनाए, भगवान की भजन करें, घर करें। लेकिन आप लोगों को पता होगा अभी बच्चे गलत रास्ता पर जाते हैं, अब विशेषकर गुजरों को घर में किराए का ज्यादा पैसा आने पर क्या होता है, शराब पी पा करके उल्टा पुल्टा होकर के कई समय जब गड़ी में जाता था ना, गड़ी में नाम सुना है गड़ी, अब तो वहाँ भी पहले जब मैं गड़ी में जाता था लोग इतने शराब पीते थे, कोई सीढ़ी से मर रहा है गिर करके, कोई छत के ऊपर गिर करके, कोई पी पा करके मर रहे थे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर कथा किया ना धीरे 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 धीरे, और मैंने समझाया लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, सदमार्ग में चलो, फिर बहुत लोगों शराब खराब छोड़ छाड़ करके अभी गड़ी में देखो सब तिलक लगाए, गले में कंठी माला, घर घर में ठाकुर को सेवा पूजा शुरू हो गई। हम चाहते तुम्हारी जो आली गांव है ना सचमुच से भगवान की धाम हो जाए, घर घर में कीर्तन भजन पूजा पाठ हो, बच्चे गलत रास्ता पर नहीं चले, सवेरे उठे पिता माता की चरण छुए, पिता माता की सेवा करे, लिखा पढ़ा अच्छी करे, हैं, लिखाई पढ़ाई अच्छी करे, जगत में नाम ले। देखना बच्चों को अगर काम नहीं हो ना क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा काम करेंगे करेंगे, लेकिन बच्चे अगर काम धाम करे और सही रास्ता पर लग जाएंगे, ठीक है। अभी प्रभु जी आपको बताएंगे आप घर में रहते हुए कैसे भक्ति करोगे। और देखो और भी एक चीज हम कराना चाहते हैं, आपका जो बच्चे है ना, आपका जो बच्चे लोग है, हम उन्हीं के लिए भी कुछ अलग कुछ क्लास देना चाहते हैं। जो यंग यंग बच्चे हैं सब हैं, जो सबके सब 15, 16, 20, 25 साल के जितने बच्चे हैं, हम उन्हीं के लिए भी कुछ अलग क्लास देना चाहते हैं। और हमारे बीच में एक प्रभु जी आए, उनके लिए ये प्रभु जी कुछ कथा सुनाएंगे। एक बार हाथ उठाकर बोलो, एक बार हाथ उठाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार आप लोग बोलो हम सुनेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने हमें अपने थोड़ा सा दो शब्द बोलने के लिए मौका दिया है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में मनुष्य जो जीवन मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है, नहीं तो मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जैसे श्लोक में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मंथनंच समान एतत् पशु ही नराना, धर्मे ही देसी अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशु ही समाना। यानी हमें मनुष्य और जानवर में फर्क जो करना है तो एक ही फर्क है, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी अपना डरते हैं, उनका भी अपने प्राण का भय रहता है। तो मनुष्य और जानवर में यही फर्क मिला कि हमें भक्ति यानी धर्म जो भगवान बताए हैं उसके मार्ग पर चलना है, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन केवल खाने सोने और यहाँ पर वो गाड़ी बंगला बनाने के लिए नहीं मिला हुआ है, इसको सुंदर तरीके से भगवान का भजन और कीर्तन करके जाना है। जैसे हम भी इससे पहले किसी गुरु से अगर नहीं मिले तो आते थे टीवी देखते थे दिन भर, यह क्रिकेट मैच हो मैच देखते रहते थे, पूरा जीवन इसी तरह लाइफ बर्बाद बेचैन रहते थे। लेकिन किसी संत का आश्रय मिला, उस दिन से हमें पता चला कि नहीं हमें भक्ति करनी चाहिए, ये सब चीज़ क्षणिक सुख ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तब हमने धीरे धीरे प्रभु जी के साथ रहना शुरू किया और मंदिर जाना शुरू किया, उसके बाद हमें जीवन में आनंद लेने लगा कि नहीं सच में सुख यही है, ये सब कुछ नहीं है करना जो ये दुनिया भौतिक युग में चल रहा है। फिर हमने हर संडे को अपना नौकरी भी मैं करता हूँ, घर में
सारा काम भी करता हूँ, फिर संडे के दिन क्लास में जाता हूँ, वहाँ भागवत का क्लास होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, उसके तैयारी करना होता है, पढ़ के जाना होता है, सारा कुछ उसका एग्जाम होता है साथ में। तो ये सारे करते हुए भी उसमें हमने अपना टाइम निकाला और घर में सब कुछ छोड़ दिया, टीवी भी लगाना उस दिन सारा कुछ बंद, कोई नहीं देखता। मैं जब धीरे धीरे अपने जीवन को परिवर्तन में लाया तो हमारी बीवी भी बदली, हमारी बच्चे भी बदले, हमारी बीवी भी अब सोलह माला करती है, बच्चे भी जब हम नरसिंह आरती करते हैं, कृष्ण मंत्र बोलते हैं, पीछे पीछे वो भी बोलते हैं, दो ढाई साल की बच्ची है वो भी मंत्र दो जो शब्द उसको आता है वो बोलती है। लेकिन तो ये धीरे धीरे अब जीवन पूरा घर है जो हमारा कृष्णमय हो गया, कहीं कुछ और गलत ना फिल्मी दुनिया ना आलतू फालतू कोई चीज़ों को वहाँ जगह नहीं रह गया है। इसे क्या होता है कि आनंद अलग मिल रहा है और सारे सुख से अलग सुख अनुभव हो रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य जो जीवन मिला है सबको ही अपने घर में अपने बच्चे को, अपने जो भी छोटे बच्चे हैं चाहे जो भी यंगस्टर हैं उनको गलत जगह ना भटकने दें, सब कर्म करते हुए और अपने भगवान को भक्ति भी करना है। भगवान ये नहीं करते सब कुछ छोड़ के और बैठ जाओ, सब कर्म करो और कर्म करते हुए भी हमें करो। जैसे सारा काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो भी काम करना जरूरी है, शरीर को अच्छा रखने के लिए खाना खाना है, इसलिए आत्मा का भोजन भगवान का भजन है और कीर्तन है, ये भी साथ साथ में करना है, क्योंकि मृत्यु किसी का निश्चित नहीं है कब होगा, तो हम कब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, हम कब चले जाएंगे इसकी कोई पता नहीं। हर दिन आदमी बूढ़ा है, हर एक पल भी बूढ़ा है। बस यही कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा प्रभु जी के चरणों में। हरे कृष्ण लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। और एक प्रभु जी है जो आपको बच्चों को ये क्लास देगा, ये जो प्रभु जी ये हमारे गुरु जी के शिष्य है, अच्छे लिखे पड़े हैं, बताओ तो क्या पढ़े, इंजीनियरिंग करी हुई है, एमबीए करी हुई है, इसलिए प्रभु जी अच्छे लिखे पड़े हैं और अच्छे अच्छे जगह पर उन्हें नौकरी भी किया है, हाँ बढ़िया बढ़िया जगह पर उन्हें नौकरी भी किया है, लेकिन ये सब करते हुए भी भगवान की ये भक्ति करते हैं, ये बहुत आपको बच्चों को अच्छे मार्ग दिखाएंगे। अगर बच्चे अगर देखो पिता माता जो पैसा कमाते हैं ना सब बच्चे के लिए कमाते कि नहीं, अगर बच्चे अगर तुम्हारी सुधर गया समझो घर भगवान की वैकुंठ धाम हो जाएगी, अगर बच्चे अगर बिगड़ गए जिसके लिए इतना पैसा कमाते हो फिर सब कुछ बेकार है, हैं? इसलिए हमारे बच्चे कैसे सुधरनी चाहिए प्रभु जी कुछ बताएंगे इस विषय पर। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो 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 विष्णुपदाय श्री राधिकाय श्री आत्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद तक अपने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनसे उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मंच आसीन पूज्यपाद शिष्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी ऐतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि ये हम सब पर मुझ पर कृपा करें ताकि जिस उद्देश्य से ये लोग इस धराधाम पे आए हैं हमारे हम अपने इस मनुष्य जीवन को सक्सेसफुल कर लें, इसका कल्याण कर लें, वो चीज़ हम प्राप्त कर पाएँ और ये हरिभक्ति हम कर पाएँ। एक प्रयास महाराज जी भी कर रहे हैं बहुत देर से, मैं भी चेष्टा करूंगा कि वो कर पाऊं। हम सारे के सारे एक बार इन पंखों की आवाज से भी ज्यादा आवाज में हरिनाम बोले, आवाज पंखों की देखा कितनी ज्यादा आ रही है। अभी एक एक बहन को बोलूंगा ना अपने बच्चे को डांटो तो आवाज ऐसे जाएगी दूसरे मोहल्ले में चली जाएगी, पर ये हरिनाम हरिनाम नहीं निकल रहा। क्यों माँ, अगर बहू को डांट लगानी होगी तो कैसे लगाओगी, छत नीचे आ जाएगी, बहु चाहे नीचे ना आए ना तो छत नीचे ले आओगे। जोर से बोलो सारे सारे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, और जोर से इतनी आवाज।